आसान नहीं है हंसते हंसते सब कुछ लुटा बर्बाद हो जाना, जीते जी गुमनाम रहना, मरकर जिंदाबाद हो जाना। और ये काम कोई दिव्य विरली विभूति ही कर सकती है। अरे हर किसी के बस में कहां भगत सिंह या आजाद हो जाना। दोस्तों नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं, आप और हम फिर साथ में हैं कलम कैफे में। रोज हमारे एक मेहमान आपके साथ होते हैं, जिनकी कविताओं से, जिनके हास्य कॉमेडी से आप लाभान्वित होते हैं, आप और हम कविताओं का आनंद लेते हैं। आज हमारे मेहमान ऐसे युवा कवि हैं जो देशभक्ति की बात करते हैं। गौतम ऋषि की नगरी गौतमपुरा से हमारे बीच में भाई पंकज प्रजापत जो देश की बात करते हैं, और मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं। तो आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, वेलकम करें भाई पंकज प्रजापत का। सर्वप्रथम कलम कैफे के समस्त श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूं, साथ ही साधुवाद इस नवाचार के लिए मालवा के रजनीकांत श्रेष्ठ मंच संचालक श्री अतुल जी ज्वाला और उनकी पूरी टीम को। एक मुक्तक के माध्यम से अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ कि आसान नहीं है हंसते हंसते सब कुछ लुटा बर्बाद हो जाना। आसान नहीं है हंसते हंसते सब कुछ लुटा बर्बाद हो जाना, जीते जी गुमनाम रहना, मरकर जिंदाबाद हो जाना। और ये काम कोई दिव्य विरली विभूति ही कर सकती है। अरे हर किसी के बस में कहां भगत सिंह या आजाद हो जाना। हर किसी के बस में कहां भगत सिंह या आजाद हो जाना। बलिदान इस देश की परंपरा रही है, परंतु एक ऐसा बलिदान हुआ जिसने मुझे लिखने और सोचने पर विवश कर दिया। मेजर संदीप यादव का शव जब शहादत के बाद पहली बार उनके आंगन में आया, इसे सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य मैं सोच नहीं पाया हूं, तय नहीं कर पाया हूं, कि जिस दिन संदीप यादव का शव पहली बार उनके आंगन में आया, उस दिन उनके बेटे का पहला जन्मदिन था। जब 1 वर्ष के उस अबोध बालक ने अपने पिता के शव को अपने पहले जन्मदिन पर तिरंगे में लिपटा हुआ देखा, अगर वो बेटा बोल पाता तो शायद अपने पिता से क्या कहता। उस बेटे के मन के भावों को इस कविता के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वो 1 वर्ष का अबोध बच्चा अपने पिता की पार्थिव देह को तिरंगे में देखकर कहता है कि सोचा था केक चॉकलेट और गुब्बारे लाओगे। सोचा था केक चॉकलेट और गुब्बारे लाओगे, बाजार से मेरी पसंद के खिलौने सारे लाओगे। सोचा था केक चॉकलेट और गुब्बारे लाओगे, बाजार से मेरी पसंद के खिलौने सारे लाओगे, पर आप अपनी पसंद का उपहार बड़ा ही चंगा ले आए। अरे पापा मेरे पहले ही जन्मदिन पे तिरंगा ले आए, मेरे पहले ही जन्मदिन पे तिरंगा ले आए। क्या जल्दी थी पुरखों की परंपरा का अनुसरण करने की, अरे रण क्षेत्र में साहस खो तिरंगे का वरण करने की। इस गीली मिट्टी को थोड़ा कढ़ा तो हो जाने देते, इस गीली मिट्टी को थोड़ा कढ़ा तो हो जाने देते, मैं दुगने उत्साह से विदाई देता, मुझे पैरों पर खड़ा तो हो जाने देते, मैं दुगने उत्साह से विदाई देता, मुझे पैरों पर खड़ा तो हो जाने देते। हो मन्नत तो मन्नत के धागे खोल कर आते हैं, बाजार से सारी मिठाइयों का मोल कर आते हैं, पर आप घर आने की जल्दी में इतना भी भूल गए कि मुंह दिखाई की रस्म में आंखें खोल कर आते हैं। मुंह दिखाई की रस्म में आंखें खोल कर आते हैं, मुंह दिखाई की रस्म में आंखें खोल कर आते हैं। कहो ये अविस्मरणीय दिन में कैसे भूल पाऊंगा, सिसकूंगा याद में या गीत खुशी के गाऊंगा, असमंजस में हूं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि अब मैं अपना जन्मदिवस कैसे मना पाऊंगा। असमंजस में हूं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि अब मैं अपना जन्मदिवस कैसे मना पाऊंगा। तब उस बेटे की माँ उस बेटे के सर पे अपना हाथ घुमाती है और जो जवाब देती है वो जवाब केवल और केवल कोई भारतीय छत्राणी या भारतीय सिंहनी या भारतीय नारी दे सकती है। उस माँ का जवाब अगर आपके मनों तक पहुँचे तो उस पिता के, उस शहीद के और उस माँ के साहस का सम्मान कीजिएगा कि मेरी खोई खुशियाँ आप तुझे ही वापस लाना है,
मेरी खोई खुशियां अब तुझे ही वापस लाना है। पिता के पद चिन्हों पर चल भारती की गाथा गाना है। और याद रख, तुझे जन्मदिवस पर मोमबत्तियां नहीं, आतंकी हत्यारों की चिताएं जलाना है। आतंकी हत्यारों की चिताएं जलाना है। जय हिंद, जय भारत। ये थे भाई पंकज प्रजापत, जिन्होंने सैनिक का खत पढ़ा। सैनिक की भावनाएं क्या होती है देश के लिए, परिवार के लिए, वो बताई। दोस्तों, हम हमारे घर में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे घर के बेटे, हमारे देश के बेटे अपना सीना सरहद पर लगाए खड़े हैं दुश्मन की गोली और तोप के आगे। अगर आपको भाई पंकज प्रजापत की कविता अच्छी लगी हो, कहीं आपके मन में थोड़ा सा भी देश प्रेम जागा हो, तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से मिलते रहिए रोज शाम 5 बजे हमारे साथ कलम कैफे में। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।